सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब कोविड का एरा आया, जब कोविड पीरियड आया, तो कोविड पीरियड ने इस एकेडमिक चोरी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, कम नहीं किया। तो ये बैकग्राउंड था जब हम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करते हैं उसका। जब हम सिर्फ ऑनेस्टी की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और मार्क ट्वेन ने एक जगह कहा है कि इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ, अगर आप सच बोल रहे हो तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपने क्या कहा था, आपको याद रखने की जरूरत तब पड़ती है जब आप क्या करते हो, जब आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अब शोध की दिशा कैसे तय हो और उसमें इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी कैसे आए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चौराहे पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और उस चौराहे पर खड़े होकर बहुत सारे रास्ते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब उन रास्तों में से आपको क्या करना है, किसी एक रास्ते का चयन करना है, चुनाव करना है। चुनाव आप कैसे करोगे, आपको तो पता नहीं किस रास्ते पर जाना है, तो आप क्या लगाओगे, पूर्वानुमान लगाओगे, एक इंस्टिंक्ट का यूज करोगे। वो जो पूर्वानुमान आप प्रयोग करोगे, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है रिसर्च को लेकर व्यक्ति के मन में। व्यक्ति शोध से स्वाभाविक रूप से जुड़ता है। और जब मैं व्यक्ति की बात करती हूँ तो मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रही हूँ। जब एक गांव का व्यक्ति अपने खेत के सहारे मेड़ बनाता है तो कहीं से तो ये विचार आया होगा कि वो मेड़ बना ले। जब वो रस्सी बुनता है, इन दोनों चीजों के पीछे जो बहुत सामान्य से कार्य हैं, इनके पीछे भी क्या होती है, रिसर्च होती है। तो पहली बात तो ये है कि जब हम शोध की बात करें तो ये मान लें कि शोध स्वाभाविक रहती है। रिसर्च इज इन नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जब रिसर्च और एकेडमिक्स की बात होती है तो क्या परिवर्तित हो जाता है और क्यों इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे समझना पड़ेगा। नेचुरल इंस्टिंक्ट, इससे वेरी बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कि वो रिसर्च करते हैं, वो हर चीज के पीछे कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर मेड़ बना रहा है व्यक्ति, मेड़ सुरक्षा के लिए बना रहा है ना, खेत की सुरक्षा के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा, कोई सोच तो रही होगी, तभी यह विचार सामने आया होगा। अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की और इसके थोड़े से इतिहास की। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न फिलोसफी की तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आती है कि चीन में हजारों साल पहले राजवंश हुआ, मिंग राजवंश। और चीन में अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने दिए होंगे, दे रहे होंगे। इसी तरह से चीन में भी सिविल सेवा की परीक्षा होती थी। अगर इतिहास की हम बात करें तो मिंग राजवंश में क्या था कि अगर सिविल सेवा की परीक्षा के दौरान कोई बेईमानी, जिसे आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहेंगे, करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्युदंड की सजा होगी। मिंग राजवंश से आगे बढ़ते हैं। जब हम 19वीं शताब्दी तक पहुंचते हैं तो 19वीं शताब्दी में यूएसए के जितने कॉलेज और स्कूल्स थे वहां ये सामने आने लगा कि लोग एक दूसरे के विचारों को ना सिर्फ प्रभाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति द्वारा ले लिए जा रहे हैं। और तब अमेरिका में इस पर व्यापक विचार विमर्श शुरू हुआ। और विचार विमर्श शुरू होने के बाद इंटीग्रेटेड काउंसिल एक बनी और 3 यूनिवर्सिटीज में बनी अमेरिका। एंड दिस काउंसिल इज नोन एज इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी।
अमेरिका की क्वींस यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यॉर्क यूनिवर्सिटी और वाटरलू यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटीज में ये काउंसिल बनी। मिंग राजवंश, उसके बाद 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक लंबा विचार विमर्श इस पर शुरू हुआ कि अगर एक व्यक्ति के विचार दूसरे द्वारा वैसे के वैसे प्रयोग में ले लिया जाते हैं तो क्या ये उचित होगा? नहीं, ये उचित नहीं होगा। और ये जो इंटीग्रेटेड काउंसिल्स बनी, इन्होंने ये कहा कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एक सबसे बड़ा अपराध है। अगर आप किसी के विचारों को ले रहे हैं तो उसको उसका क्रेडिट जरूर दीजिए, वरना आप दोषी होते हैं। चलिए, मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दिया। इसके 19वीं शताब्दी को हम कहते हैं विचारधारा की शताब्दी, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते विचारधारा का स्थान अर्थव्यवस्था ने ले लिया और किसी देश का महत्व इस बात से आंका जाने लगा कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़, कितनी ताकतवर है। लेकिन ये जो शताब्दी है, इस शताब्दी को नाम दिया जाता है सूचना और तकनीक की शताब्दी, एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और सूचना और तकनीक की शताब्दी में एक समय ऐसा आया जब सूचना और तकनीक का अति प्रभाव हुआ, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हर तरफ से सूचना आ रही है और इतनी सूचना आ रही है कि हमारे लिए ये तय करना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिमान है, हमारी जो सोच है, वो भी किससे प्रभावित हो रही है? वो भी उस इंफॉर्मेशन से प्रभावित हो रही है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि सूचना और तकनीक की अगर हम बात करें तो सूचना और तकनीक के इस युग में भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम कभी भी टीचर्स को कंप्यूटर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स विद कंप्यूटर्स। एंड एक और चीज इसके साथ आती है, वो ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सूचना और ज्ञान के बीच में एक मूलभूत अंतर है। इंफॉर्मेशन, गूगल बाबा अवेलेबल है, लेकिन ज्ञान ये एक बड़ी व्यापक अवधारणा है। और शोध जब किया जाए, रिसर्च जब की जाए, तो उसके केंद्र में ज्ञान होना चाहिए, सूचना नहीं। सूचना माध्यम हो सकती है लेकिन सूचना अंत नहीं हो सकती, सूचना लक्ष्य नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, रिजल्ट नहीं हो सकती। सूचना क्या कर सकती है? सिर्फ आपकी सहायता कर सकती है आपके शोध को सही दिशा तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है सूचना और ज्ञान के बीच का, इसको ध्यान में रखकर ही सारे शोध कार्य किए जाने चाहिए, सूचना और तकनीक के, सूचना के अति प्रवाह के इस युग में भी। फिर अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हम सूचना के अति प्रवाह की, सूचना और ज्ञान की बात करते हैं, नीलम नाम ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया और इंस्टीट्यूशनल। व्यक्तिगत और संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल डिसऑनेस्टी कैसे आती है? एक कोर्स का संचालन किसी परिसर में हो रहा है और उस कोर्स का एफिलिएशन ही नहीं है यूनिवर्सिटी से, और कॉलेज ने क्या किया, वो कोर्स अपने आप चला दिया। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि इस कोर्स का तो एफिलिएशन ही नहीं था, उसने तो उस संस्था पर विश्वास करके वहां एडमिशन ले लिया। दिस इज इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एट द लेवल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और भी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आती है, कैसे? एक कॉलेज ने किसी ग्रांट के लिए अप्लाई किया और उस ग्रांट के लिए अप्लाई करते समय उस संस्था ने, उस कॉलेज ने गलत तथ्य दिए। उस संस्था ने दिखाया कि हमारा कॉलेज बड़े फायदे में चल रहा है, जबकि बेसिकली वो सच नहीं था। उस संस्था ने दिखाया कि हमारे यहाँ जितने टीचर्स हैं, दे आर डूइंग द एक्सीलेंट रिसर्च वर्क,
बट उस संस्था में कोई काम स्तरीय हो ही नहीं रहा था. दिस इज अनदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिसऑनेस्टी. और ये इंस्टीट्यूशनल डिसऑनेस्टी ही है कि शायद नेक जैसे बड़े संस्थान के एग्जीक्यूटिव हेड ने ये सिफारिश की है, जिसने भी साल भर पहले अपना पद ज्वाइन किया था. आज का अखबार उठाकर देखिए, वहां लिखा हुआ है कि नेक जो सारे कॉलेजों का एक्रेडिएशन करता है, उस संस्थान का प्रमुख कह रहा है कि नेक की पूरे कार्यप्रणाली पर स्पेशल जांच कराइए. दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. क्या वो सबसे बड़ी संस्था जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी किसकी, कि वो तय करेगा कि क्या मानक पूरे करता है कोई संस्थान विशेष, चाहे वो कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, उस संस्था का हेड खुद कह रहा है कि हमारी अपनी कार्यप्रणाली ऐसी है, साल भर ज्वाइन किए हुए हुआ है, एंड ही इज रिकमेंडिंग इंक्वायरी. ये क्या है? दिस इज इंस्टीट्यूशनल डिसऑनेस्टी. जब आप इंडिविजुअल डिसऑनेस्टी की बात करते हो तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. और 2018 का यूजीसी का जो विनियम है, जो रेगुलेशन है, वो स्पष्ट जब प्लेगरिज्म की बात करता है तो कहता है कि इसके लिए आप दंड भुगतने के लिए भी तैयार रहिए. भाई क्यों आया ये? इसीलिए तो आया कि आप अगर इंटेलेक्चुअली आप ऑनेस्टी से काम नहीं करोगे तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे. मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक बड़े डाटा को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो तो पढ़ता ही है, साथ में जो कम पढ़ा लिखा वर्ग है उस तक भी हमारा रिसर्च जाता है. इसलिए हमारी रिसर्च थीसिस में डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होना बहुत जरूरी है. तो इसी क्रम में हम आज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करते हैं. डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में खासकर हम बहुत सारी बात देखते हैं कि हर चीज बहुत सिंपल फॉर्म में होती है, यानी हर चीज साधारण ढंग से समझाई जा सकती है. यानी अगर किसी वर्ष की उपलब्धि कोई है कि किसी साल हमारा हमारे देश का जो उत्पादन है वो 40 लाख टन हुआ, किसी साल हमारा 60 लाख टन हुआ, किसी साल 90 लाख टन हुआ, अगर वो हम लाइनों में पढ़ते हैं, लाइनों में समझाया जाता है, तो हम जनरली सोचते हैं कि आज पढ़ के क्या करेंगे. लेकिन अगर वो फिगर के रूप में है तो हमारा बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बहुत ज़्यादा स्पेशल हमको सोचना नहीं पड़ता, हम सीधे उस फिगर को देख के ये देख लेते हैं कि अलग अलग सालों में ये उपलब्धि रही है. उस फिगर से ही हमारी चीज़ समझ में जाती है. इसके साथ ही साथ हम कभी कभी मैगजीन नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैगजीन की तरफ हमारा ध्यान तब जाता है जब वो फिगर कलरफुल या उसमें कुछ कलर हो, यानी हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उस मैगजीन को पढ़ने की तरफ. बहुत सारी मैगजीन्स ऐसी हैं जिस मैगजीन्स में जैसे प्रतियोगिता दर्पण है और इंडिया टुडे है, तो उन मैगजीन्स में सबसे पहले हमारा ध्यान उस पिक्चर्स पे जाता है जिस पिक्चर्स में भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकारों की उपलब्धि को फिगर के रूप में रखा जाता है. यानी हम अट्रैक्ट होते हैं. तो अट्रैक्शन का भी एक दृष्टिकोण है कि हम अपने रिसर्च में अगर उस तरह के फिगर बनाएं, उस तरह का पिक्चर्स प्रस्तुत करें, तो सामने वाला जो पढ़ने वाला है उसकी वो आकर्षित होगा. इसके साथ ही साथ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का ये भी है कि लिटरेट पर्सन के लिए तो वो सही है ही, लिटरेट पर्सन तो उसको सब अच्छी तरह से समझता भी है, लेकिन इलिटरेट पर्सन भी उस फिगर कम से कम ये अनुमान लग लेता है कि एक बार डायग्राम में एक छोटा साइज है, एक बड़ा साइज है, तो उसको ये पता लग जाता है
यानी हमारी सरकार की उपलब्धि बढ़ रही है, या फिर वर्तमान समय में अगर खासकर कहें पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो वोटर बर्थडे डायग्राम के रूप में तो उसका शीर्षक भी बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम पिक्चर बार डायग्राम या कोई और डायग्राम बना तो देते हैं लेकिन शीर्षक नहीं लिखते हैं, जो कि शीर्षक लिखना भी बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता लगे कि ये फूड की बात कर रहा है या वोटर की बात कर रहा है या किसी और चीज की बात कर रहा है। यानी शीर्षक के जरिए उसको समझ में आया था ये आ जाता है कि एक साल में मिले हुए वोट की बात की जा रही है या फिर विभिन्न पार्टियों की डिफरेंट स्टेट्स की स्थितियों की बात की जा रही है, एक साल में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, प्याज का उत्पादन कितना हुआ। यानी शीर्षक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ स्केल निर्धारित करना, यानी हमारा जो बार डायग्राम बनाया या दूसरा डायग्राम बनाया उसमें हमको अपना स्केल बताना पड़ेगा कि एक सेंटीमीटर, जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक लेक्चर मैडम का हुआ था तो उसमें भी स्केल की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपनी थीसिस तैयार करते हैं तो उसमें स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी एक सेंटीमीटर बराबर आपने एक किलोमीटर माना है या एक सेंटीमीटर बराबर एक लाख माना है, तो उस तरह से आपको वो स्केल निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इंडेक्स, आप अपने डायग्राम बनाते समय उसमें कुछ इस तरह के संकेत भी निर्धारित करते हैं, तो कौन सा पिक्चर यानी कौन सा बार डायग्राम किसका है उसका संकेत, किसी का रेड है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लू है, तो वो संकेत भी आपको पहले अपने डायग्राम के लेफ्ट या राइट साइड में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है ताकि वो चीज़ें क्लियर हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी का, अगर मान लीजिए भाजपा की हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, तो भाजपा का जो संकेत है वो क्या है, कांग्रेस का क्या है, सपा का क्या है या अन्य पार्टियों का क्या क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस सिंपली हम क्यों यूज करें, यानी एक तरह से बार डायग्राम या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसका उपयोग क्यों करें, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिंप्लीफाई, यानी एक तरह से कहा जाए हर चीज़ को हम सरल बनाना चाहते हैं, हर चीज़ को का सरलीकरण करना चाहते हैं ताकि वो हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। दूसरा अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव डाटा, हम अट्रैक्टिव डाटा को आप के रूप में तो उसका शीर्षक भी बहुत जरूरी है। कई बार ये होता है कि हम पिक्चर बार डायग्राम या कोई और डायग्राम बना तो देते हैं लेकिन शीर्षक नहीं लिखते हैं, जो कि शीर्षक लिखना भी बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को पता लगे कि ये फूड की बात कर रहा है या वोटर की बात कर रहा है या किसी और चीज़ की बात कर रहा है। यानी शीर्षक के जरिए उसको समझ में आया था ये आ जाता है कि एक साल में मिले हुए वोट की बात की जा रही है या फिर विभिन्न पार्टियों की डिफरेंट स्टेट्स की स्थितियों की बात की जा रही है, एक साल में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, प्याज का उत्पादन कितना हुआ। यानी शीर्षक होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ स्केल निर्धारित करना, यानी हमारा जो बार डायग्राम बनाया या दूसरा डायग्राम बनाया उसमें हमको अपना स्केल बताना पड़ेगा कि एक सेंटीमीटर, जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में एक लेक्चर मैडम का हुआ था तो उसमें भी स्केल की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपनी थीसिस तैयार करते हैं तो उसमें स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी एक सेंटीमीटर बराबर आपने एक किलोमीटर माना है या एक सेंटीमीटर बराबर एक लाख माना है, तो उस तरह से आपको वो स्केल निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इंडेक्स, आप अपने डायग्राम बनाते समय उसमें कुछ इस तरह के संकेत भी निर्धारित करते हैं, तो कौन सा पिक्चर यानी कौन सा बार डायग्राम किसका है उसका संकेत, किसी का रेड है, किसी का वाइट है, किसी का ब्लू है, तो वो संकेत भी आपको पहले अपने डायग्राम के लेफ्ट या राइट साइड में प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है ताकि वो चीज़ें क्लियर हो कि इस पर्टिकुलर पार्टी का, अगर मान लीजिए भाजपा की हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, तो भाजपा का जो संकेत है वो क्या है, कांग्रेस का क्या है, सपा का क्या है या अन्य पार्टियों का क्या क्या है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस
सिंपली हम क्यों यूज करें, यानी एक तरह से बार डायग्राम या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसका उपयोग क्यों करें, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिंप्लीफाई, यानी एक तरह से कहा जाए हर चीज को हम सरल बनाना चाहते हैं, हर चीज को का सरलीकरण करना चाहते हैं ताकि वो हर व्यक्ति की समझ में आ जाए। दूसरा, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव डाटा। हम अट्रैक्टिव डाटा को आकर्षक बनाना चाहते हैं, जैसा कि अभी हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, जितना भी डाटा है हम उसको आकर्षक बनाना चाहते हैं हर व्यक्ति के लिए। इसके साथ ही साथ हम एक तरह से सामने वाले को और प्रभावित करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ डायग्राम एक तरह से टेंजिबल, यानी एक सामने वाले को उसका बोधगम हो, बहुत अच्छी तरह से वो समझ में आए, इसीलिए हम उस डाटा का प्रयोग करते हैं डायग्राम के फॉर्म में। क्योंकि जब हम डायग्राम के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाले को वो चीज लाइनों की तुलना में और अच्छी तरह से समझ में आएगी। और जैसा कि बात की थी मैंने कंपैरिजन, हम इसीलिए इसकी उपयोगिता इसलिए भी है कि हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे अभी मेघालय में, त्रिपुरा में और डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, उसमें खासकर आपने टीवी पे समाचार देखा होगा तो उस टीवी में अलग अलग पार्टियों को पिक्चर के रूप में भी समझाया गया। तो कई बार है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनने का नहीं कर रहा है, तो हमने आवाज़ बंद करके खाली उन फिगर को देखते रहे, उन फिगर से हमारी समझ में आ रहा है कि इस पार्टी को कितना मिला है। यानी एक तरह से खासकर इस समय बहुत से व्यक्ति हो सकता है आवाज़ ना सुनना चाहते हो, तो आवाज़ बंद कर दी और उस पिक्चर को देखते रहे किस पार्टी को कितना वोट मिला है। उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति तो वहाँ पर लिखी हुई बातें भी देख लेगा, और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है उन पिक्चर के आधार पे ये अनुमान लगा लेगा, ये पता कर लेगा